The question is find n if n minus 1 p3 is to n p4 is equal to 1 is to 9. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूं कि इन केस अगर आप npr को ओपन करते हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है. मान के चलिए आपके पास है npr, then this is equal to n factorial divided by n minus r factorial के. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको जो स्टेटमेंट गिवन है, चलिए सबसे पहले मैं उसको नोट कर लेता हूँ. स्टेटमेंट आपके पास ये है कि n माइनस वन p3 इज टू n p4 एंड दिस इज इक्वल टू 1:9. अगर आप चाहें तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसे लिख सकते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई n-1 -3 फैक्टोरियल के. ठीक है, ये तो आपका न्यूमरेटर पार्ट हो गया. डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग लिखेंगे एन फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल के. और क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट है ये आपको दे रखा है 1/9 के. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कि इन केस ए इज टू बी, अगर एक्स इज टू वाई के इक्वल है देन वी कैन ऑल्सो राइट ए अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, जिसको मैंने फाइनली यहाँ पे लिखा हुआ था n-1 p3 डिवाइडेड बाई np4 एंड दिस इज इक्वल टू 1/9 के. तो बेसिकली ये स्टेटमेंट को मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया और मैं यहां तक गया हूं, और उसके बाद फिर ये स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा. तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप दोनों के डिनोमिनेटर को चेक करें तो डिनोमिनेटर में यहां भी आपको एन माइनस फोर का फैक्टोरियल नजर आ रहा है और ये टर्म भी आपको एन माइनस फोर का फैक्टोरियल नजर आ रहा है. इनकेस अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये डाटा आपके पास लेफ्ट आउट है n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू 1/9 के. अब फैक्टोरियल की एक और प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है विच इज योर एन फैक्टोरियल, दिस इज योर एन इंटू n-1 फैक्टोरियल के. ठीक है, जैसे मान के चलिए कहीं पे 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आप इसे फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं 4:3 फैक्टोरियल में, मतलब एक डिजिट आप कम करके इसे लिख सकते हैं. तो इनकेस अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो न्यूमरेटर में आपके पास है n-1 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर को मैं इसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ n(n-1) फैक्टोरियल के, जो डाटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1/9 के. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जा रहा है, और इनकेस अगर अगर आप n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ से n की वैल्यू आपको मिल जा रही है 9. एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम.